श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, रविवार का दिन सूर्यदेव का होता है और सूर्यदेव को पांच सबसे श्रेष्ठ देवी देवताओं में एवं सभी 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्यदेव की पूजा अर्चना कर उनका व्रत कर रविवार का व्रत कर उन्हें कुश कर लेता है तो उस व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा दृष्टि हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे में दोस्तों, रविवार के दिन कुछ ऐसे उपाय पूज गुरुदेव के द्वारा बताए गए जिनको कर आप लोग भगवान सूर्य देव की कृपा यानी कि आप लोग अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को एक छोटा सा मात्र उपाय है, अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें। कॉमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आप लोगों को मात्र रविवार के दिन अपने खाने में यह तीन चीज़ें मिलाकर खानी है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर होता है, जिस व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का दोष होता है या फिर जिस व्यक्ति के पितृ उससे खुश नहीं है, तो दोस्तों आप लोगों को मात्र रविवार के दिन छोटा सा कार्य अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को अपने खाने में यानी कि खाना क्या, दोस्तों आप लोगों को चावल बनाने हैं और चावल में आप लोगों को दूध गुड़ अवश्य ही मिलाकर खाने चाहिए। कहा जाता है कि चावल में दूध गुड़ मिलाकर खाने से व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है और साथ ही साथ कुंडली में जो भी व्यक्ति के दोष होते हैं वह दोष खत्म होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसे अवश्य करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर, आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा।